अब मुद्दे की बात पे आता हूं। मुद्दे की बात यह है कि अब दमन दीव और दादरा नगर हवेली राज्यसभा के बिल कल था और उसमें बिल पास हो गया है, मतलब कि अब दमन दीव और दादरा नगर हवेली मर्जी समझ लीजिए मर्ज ही हो गया है। कल एक बात का मुझे दुख हुआ और मैं बार बार कहता था कि हमारे पास एकमात्र रास्ता है हमारी बात को पार्लियामेंट में रखने का, वो है लोकसभा। राज्यसभा में हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, जो की कमी कल भी खली। राज्यसभा में दमन दीव और दादरा नगर हवेली के और से बोलने वाला उनका प्रतिनिधि नहीं था, मगर उसका कोई अपने पास रास्ता भी नहीं है और हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व है ही नहीं, जिसपे हम लोगों ने आज तक सोचा ही नहीं, क्योंकि राज्यसभा में क्या हमारा कौन। पर एक बात की खुशी हुई कि राज्यसभा में कल मैंने कुछ सांसदों का सुना, जिसमें से एक कांग्रेस के डॉक्टर अमी याग्निक जी ने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बातें कही दमन दीव के दादरा नगर हवेली को मर्जर पर। उन्होंने दमन दीव और दादरा नगर हवेली के लोगों को मर्जर क्यों किया जा रहा है उस पर उन्होंने सटीक बातें की, बहुत अच्छी बातें की। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने दमन दीव और दादरा नगर हवेली के लोगों की बात वहाँ रखी पटल पर। पर सबसे ज़्यादा खुशी की बात मुझे यूपी के सांसद एसपी के जो राज्यसभा सदस्य है श्रीमान विश्वंभर यादव जी की बातें अच्छी लगी। उन्होंने राज्यसभा में जिस प्रकार से दमन दीव और दादरा नगर हवेली के लोगों के दिल की आवाज को, दर्द को पटल पे रखा, एक तरह से उन्होंने दमन दीव और दादरा नगर हवेली के प्रशासन की तानाशाही भरी रवैयों को उन्होंने राज्यसभा में जिस प्रकार से रखा, उसके लिए मैं यादव जी का तह दिल से दमन दीव वासियों और दादरा नगर हवेली वासियों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं रूबरू भी मिलकर उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और हो सके तो मैं उनको मिलकर आभार व्यक्त जरूर करूँगा कि उन्होंने जो बातें हमारे सांसदों ने नहीं की पटल पर, जिस अत्याचार और जिस तानाशाही की बातें हमारे सांसद वहाँ पर नहीं उठा पाए, वो बातें उन्होंने वहाँ पर रखी, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने पूरी बातें प्रशासन की पोल खोली वहाँ पर, दमन दीव के हाल स्थितियों पर उन्होंने जबरदस्त बातें कही, तो वो बात से मुझे खुशी हुई कि उन्होंने हमारे दर्द को, दादरा नगर हवेली दमन दीव के दर्द को वहां पर पेटल पे रखा। पर हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारे सांसद को ये सारी बातें, हमारे साथ जो जो अत्याचार और अन्याय होता है, जो प्रशासन की तानाशाही है, उस लोकसभा में भी आवाज उठानी थी मगर नहीं उठाई। हमारा दुर्भाग्य है, आज हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य यह है कि हमारे सांसदों ने घुटने टेक दिए वहां पर और प्रशासन को खुला दो दे रखा है। करो मन मर्जी जो था वो आपसे, जितना हो अत्याचार अन्याय। और मजे की बात है कि हमारे सांसद जी तो खुल कर कहते हैं कि दमन दीव में कोई दुखी नहीं है, कोई दुखी नहीं है। आज क्या करें कि हमारी व्यवस्था तो देखिए कि हमारा लीडर, हमारा सांसद इतना निर्बल है कि उनसे कुछ वहां कहा नहीं जा रहा है और वो सरेंडर कर बैठे हैं। और मैंने उनका एक पेपर में स्टेटमेंट पढ़ा और वो दुख पढ़कर मुझे बड़ा दुख हुआ। वो सांसद जी हमारे डबल ग्रेजुएशन के पीएचडी हुए हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके नॉलेज जोरदार है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि दमन दीव के लोगों को जो दुख है, तकलीफ है, उसके लिए लंदन वाले क्यों चिंतित है, लंदन वालों को दमन दीव की चिंता क्यों है। कौन कह रहे हैं? दमन दीव के सांसद। मूर्ख आदमी को यह समझ में नहीं आ रहा है, गवार को, कि लंदन गए वो लोग, क्या वो दमन दीव से कोई नहीं है? वो दमन दीव के नहीं रहे, वो भारत के नहीं रहे, उनका मादरे वतन दमन दीव और दादरा नगर हवेली नहीं है या भारत नहीं है? क्या उनके संबंधी, उनके परिवार के लोग, सभा सगा संबंधी स्नेही
परिवार लंदन में वो चले गए, तो वो सब चला गया, उनके कोई संबंधी स्नेही नहीं है, क्या वो लंदन में ही रहेंगे, क्या वो दमन वापस या भारत नहीं आते? और वो लंदन गए तो क्यों गए, क्या वो खुशी से गए लंदन? क्यों गए लंदन, क्यों गए खुशी से गए? कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जो खुशी से अपने परिवार को, अपने संबंधियों को, अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाना जाए, खुशी से जाएगा? कोई हजारों में एक हो सकता है, मगर 99.99% लोग खुशी से देश छोड़ के नहीं जाते, अपने परिवार और संबंधी को छोड़ के नहीं जाते। वो अगर गए हैं तो वो मजबूरियों के चलते गए हैं। आज दमन दीव की स्थिति आप ही देखिए क्या है, कौन सा रोजगार है? लोगों को रोजगार नहीं है, काम धंधे नहीं है। जो लोगों ने खुद अपनी मेहनत से रोजगार प्राप्त किया था, वो लोगों के झोपड़े तोड़ जाते हैं, दुकानें तोड़ी जाती है, लारी गल्ले हटाए जाते हैं, नौकरियों में भी नौकरी नहीं मिल रही है, लगे हुए लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, मकान तोड़ रहे हैं, तो वो क्या करे, क्या करे? वो सांसद जी के पास दौड़ते रहे, 1000 रुपया दो, 2000 रुपया दो, हमें शिरडी जाना है, हमें वो खाना है, तो साल में 5000 10000 रुपया दे देंगे और हम लोग उनके घर जाके बैठे रहे, और चलो मीटिंग है तो हम लोग उसके पीछे पीछे दौड़ते रहे, गुलाम बन के रहे सांसद जी के। वो चाहते हैं आप हमें धंधा तो करने नहीं दे रहे, रोजगार तो दे नहीं रहे, नौकरी तो दे नहीं रहे, और पूछ रहे कि हम लोग लंदन क्यों जाए? और जब हम लंदन चले जाते हैं और हमारे परिवार पर, हमारे स्नेहियों पर, हमारे समाज के लोग पर, हमारे देशवासियों पर अत्याचार और अन्याय होता है, तो हम ना बोले, हम चुपचाप देखते रहे। क्या चाहते हैं सांसद जी? सांसद जी आपके पास दिमाग है कि नहीं है? आपके पास कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति है कि नहीं है? और इतनी बड़ी पार्टी है उसमें भी कोई व्यक्ति बुद्धिजीवी है कि नहीं है जो सांसद जी को समझाए कि क्या बोलना है, कब क्या बोलना है? अरे भाई साहब, डबल पीएचडी सांसद जी सुनिए, आज लंदन से लोगों को बोलने के लिए विवश होना पड़ रहा है, उसकी जवाबदेही आपकी थी। आप बोल नहीं पा रहे हो, दमन दीव के लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे हो, इसीलिए लोग मजबूर होकर आज लंदन में, लोग जो हमारे दमन दीववासी बसते हैं वो मजबूरी से वहां पर मजबूर है बोलने के लिए, इसलिए वो बोल रहे हैं। बाकी वहां लंदन गए हैं, वहां पर मुफ्त में पाउंड नहीं मिल रहा है, सुबह से शाम तक वो ठंड में शरीर तोड़कर मेहनत करते हैं, तब जाके उनको 1 रुपया 1 पाउंड मिलता है, और मेहनत करने के बाद और दिन सुबह से शाम तक, रात तक मेहनत करते हैं, तब जाके उनका पेट भरता है। फिर भी लोगों को दमन दीव की चिंता होती है, परिवार की चिंता होती है, ले तो वो अपना घर काम धंधा छोड़कर दमन दीव के हक और अधिकार के लिए, न्याय के लिए वहां पर बोलने पे मजबूर है। अगर वो बोल रहे हैं, वहां बोलना पड़ रहा है, तो वो आपकी वजह से, आप और हम हमारे लोगों के हक और अधिकार के लिए नहीं बोल पा रहे हैं। हम हमारे लोगों का विश्वास खो चुके हैं, इसीलिए आज हमारे लोग जो वहां काम धंधा करने गए हैं वो विवश होकर बोल रहे हैं। आज दमन दीव में ऐसा कोई नहीं है जो दमन दीव के लोगों के लिए बोले, उनके दुख और तकलीफ में हम उनके साथ खड़े रहे। इसलिए सांसद जी आपकी नाकामी के वजह से वो आज लंदन में रहकर बेचारे मजबूर होकर बोल रहे हैं लोगों के लिए। आज हमारे लोगों की दुर्भाग्य तो यह है कि हमारे हक और अधिकार के लिए बेचारे लंदन से लोग दुखी हो रहे हैं, और हमारे प्रदेश के लिए कोई नहीं बोलता, तो यूपी वगैरह प्रदेश के लोग, गुजरात के लोग, वो हमारे बाहर के लोग आज हमारे दमन दीव की आवाज को पटल पे उठा रहे, संसद में उठा रहे, राज्यसभा में उठा रहे हैं। तो आप ये मत कहना उत्तर भारतीयों को क्या रस है दमन दीव में, दमन दीव की उत्तर भारतीय को क्यों चिंता है, नहीं कहना, या ये डायलॉग मत बोलना, क्योंकि यहां पर भी उत्तर भारतीय लोग बहुत बसे हुए हैं और शायद वहां के लोगों को चिंता होती होगी, इसलिए वो बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि आज दमन दीव में स्थिति बहुत ही गंभीर है,
और वहाँ पर आज हमारे लोगों को इतनी ज़्यादा तकलीफ है कि आप समझ नहीं सकते। आज हर तरह से लोग दुखी है, आपका जो आप लोगों को समझ नहीं सकते, उनको सहारा नहीं दे सकते, तो आपको ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं। हमारे सांसद जी, आप क्या बोलते हैं, कब क्या बोलते हैं, वो आपको पहले नॉलेज होना चाहिए। आपको शर्म नहीं आती झूठ फैलाते हुए? आप कह रहे थे वहां पर बड़े डींगे मार रहे थे कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली को असेंबली दी जाने वाली है। मुझे तो श्रीमान हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दमन दीव वासियों को 3 महीने पहले ही मुझे कहा कि असेंबली मिलने वाली थी। तो सांसद जी जवाब दीजिएगा इस बात का, कल जब राज्यसभा में विश्वंभर जी कल बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली को विधानसभा दी जाए, तब वेंकैया नायडू जी ने वहां से बोला, क्या बोला, 6 लाख लोगों के लिए असेंबली, क्या बोला, क्यों बोला, आप बताइए। अगर असेंबली की बात हुई गई थी, मोदी जी ने कही दिया था, तो फिर वेंकैया नायडू जी ने वहां पर क्यों बोला कि 6 लाख लोगों के लिए असेंबली दी जाए? सवाल का मतलब क्या होता है? तो इस सवाल का जवाब हमें दीजिएगा भाई साहब। हाँ, गरबा गाने और नाचने के लिए नहीं आपको चुना है, दमन दीव की जनता ने आपको चुना है। और बार बार वो आपका जो डायलॉग है, मुझे वोट नहीं दिया, तो वोट कहां से आए, आसमान से या जमीन से नहीं आए हैं, वो लोगों ने ही आपको प्रतिनिधि बनाया है। और आप पर हर सवाल का जवाब आपको देना होगा, आपको देना है। आप पार्लियामेंट में नहीं बोलते, यहां आके मस्त स्वागत कराने लग जाते हैं, और स्वागत करने वाले भी इतने बेवकूफ, सोचते भी नहीं है। बोल रहे थे कि हमें मोदी जी ने कहा, तो फिर क्यों बोला वेंकैया नायडू जी ने? तो मैं इस बात पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। और कभी ऐसा मत बोलिए कि लंदन वाले को क्यों चिंता होती है, उत्तर भारतीयों को क्यों चिंता होती है। लोगों को दुख और तकलीफ होती है तब जाके करते हैं, और लंदन लोग खुशी से कमाने के लिए नहीं गए, वहां पर लोग दुख और तकलीफ ही भुगत रहे हैं वहां पर भी। और हमारे दमन में और दीव में, दादरा नगर हवेली में कोई खुश नहीं है, हालिया स्थिति बहुत खराब है, अभी भी सुधर जाइए, और हो सके तो 5 आदमी समझदार रख लीजिए। अब दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मर्ज कर ही दिया है, तब साहब असेंबली किसी भी प्रकार लाने पड़ेगी, और उसके लिए माइक पे भाषण देने से नहीं मिलेगी असेंबली। उसलिए सभी लोगों को एक साथ होकर, एक साथ जुड़कर सामने आना होगा, पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर निकलिए। हो सके तो एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, सर्व समाज की बैठक बुलाइए। आप लोग तो दूसरों की मीटिंग में नहीं जाते हैं, तो कम से कम बुलाइए सर्वदलीय बैठक, सर्व समाज की मीटिंग बुलाइए, और असेंबली के लिए लग जाइए प्रभु। नहीं तो आज दादरा नगर हवेली से हम लोग को जोड़ दिया गया है, कल इसी प्रकार से गुजरात के साथ भी जोड़ा जा सकता है, और हमारे बच्चे, हमारे आने वाली फ्यूचर हम लोगों को बहुत गाली देगी। इसी प्रकार से कुछ मूर्ख लोग गोवा से अलग हो आए थे, और यहां पर लोकशाही का सत्यानाश कर दिया था, और आपको भी आगे चलकर इसी प्रकार से लोग गाली देंगे, और साथ साथ में हमें भी। तो आपसे अनुरोध है, दमन दीव और दादरा नगर हवेली की जनता से अनुरोध है, और दमन दीव और दादरा नगर में रहते बुद्धिजीवी सभी से अनुरोध है कि दमन दीव के लिए और दादरा नगर हवेली के फ्यूचर के लिए एक साथ हो जाएगा। अभी लंदन में कुछ लोगों ने, बिचारों ने दमन दीव की वेदना को समझा, और 19 दिसंबर को मुक्ति दिन का विरोध नहीं किया है, कहा है प्रशासनिक कार्यक्रम का बहिष्कार करो। मैं भी कहता हूं प्रशासनिक कार्यक्रम का बहिष्कार करो, तो कुछ दलाल, कुछ एजेंट निकल पड़े हैं, बोलो गर्व से मुक्ति दिन मनाइए, तो सही में गर्व से मनाएंगे। हमारे बाप दादाओं ने दमन दीव को मुक्त करवाया है, एजेंट जी आपके बाप और दादा ने नहीं। तो हम भारतीय है उस पर गर्व है, हम दमन दीववासी है उस पर हमें गर्व है, बराबर है, उसका मुक्ति दिन हम मनाएंगे, जरूर मनाना चाहिए। मगर कौन कहता है कि प्रशासनिक कार्यक्रम में एक अधिकारी, एक काका, एक तानाशाह बोले
और हम जी हजूरी करके ताली बजाए तब गर्भवती होंगे। उनके एट होम में जाकर वो राजा की तरफ फैल के बैठ जाता है और हम उनकी चरण वंदना करें, हमारे स्वतंत्र वीरों को, स्वतंत्र सेनानियों को नीचे बिठाया जाए, अपमानित किया जाए, तब हम गौरवित हो जाते हैं। हमारे जिस स्वतंत्र सेनानियों ने हमारे देश को, हमारे प्रदेश को आजादी दिलाई, उनको लाख 19वीं दिसंबर पे श्रद्धांजलि तक नहीं दी आपके प्रशासन ने, तब आपको गर्वित हो जाते हैं। शर्माई एजेंट जी, दलाल जी, 19 दिसंबर लास्ट 19 दिसंबर को हमारे प्रशासन की ओर से स्वतंत्र वीरों को श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई थी, तब आप कहां गए थे? तब आपने अपने आका को जाके क्यों नहीं कहा कि आपने प्रशासनिक अधिकारियों ने, किसी ने क्यों श्रद्धांजलि नहीं दी? आप तो एट होम में जाके उनकी चरण वंदना करते हो और हमें पाठ दे रहे हो देशभक्ति के, गौरवता का। हम लोग हमारा प्रदेश का कैसे सेलिब्रेशन करना है मुक्ति दिन का, हमें पता है। किसी चाटुकारिता करने से, किसी की तारी उतारने से, आरतियां उतारने से गौरवित नहीं होते। हमारा आत्मसभिमान ज्यादा होना चाहिए और किसी की आरती जी हजूरी करने से प्रदेश को कभी गौरव नहीं मिलता। इतिहास साक्षी है, हमारे प्रदेश का मुक्ति दिन मनाना चाहिए 19 दिसंबर का, गौरव से मनाना चाहिए। मगर कौन कहता है कि वही कार्यक्रम में जाने से गौरव मिलेगा? स्कूलों में जाइए, अपने घर पे मनाइए, राष्ट्र ध्वज का घर पे फ्लैग होस्टिंग कीजिए और वहां सैल्यूट दीजिए, हमारे स्वतंत्र वीरों की याद कीजिए। जहां हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को छीना जाता हो, लोकशाहियों का हर रोज खून किया जाता हो, हमें बार बार दबाया जाता हो, हमें तकलीफ यातना दुख दिया जा रहा हो, हमारे लोगों को आज लंदन में जाके हमारी चिंता करने पे विवश होना पड़ रहा हो, हमारे काम धंधे रोजगार, हमारी नौकरियां छीनी जा रही हो, और वही प्रशासन के तलवे चाट कर हम उनकी आरती करें, कहां का न्याय? तो इस बात पर भी मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि वो स्वतंत्रता दिन, हमारे मुक्ति दिन का जो कार्यक्रम है वो हम खुद मनाएं, हमारे घर मनाएं। हम भारतीय है, हम दमनदीव वासी है, उस पर गौरव महसूस कीजिए। मुझे भी गौरव है और किसी के चाटुकार बनकर उस कार्यक्रम में जाकर तालियां मत बजाइए। फ्यूचर हमारा है, हमारा भविष्य है, तो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जरूर आगे बढ़िए और जहाँ विरोध करना पड़े वहाँ विरोध करिए, एकता बनाई रखिए। जेल से जाने से मत डरिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें हमें हक मिला है, दायरे में रहकर जरूर विरोध करें। 19 दिसंबर मुक्ति दिन हम मनाएंगे, हमारी ओर से मनाइए, घर घर मनाइए, हर जगह मनाइए, पर प्रशासनिक कार्यक्रम में मत जाइए। हमारा कुछ एथिक्स होना चाहिए, हमारे भी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए और मुझे विश्वास है दमनदीव वासियों पर, हाँ डर से बाहर नहीं निकलते होंगे, पर सब लोग दमनदीव के वीरों के पुत्र हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद जैसे वीर पुरुषों के फॉलोअर्स है, अरे भाई हमारा स्वाभिमान जिंदा है। जय हिंद। अगर मेरी बातों से किसी को भी तकलीफ हुई, दुख हुआ हो, उसके लिए समझ आता हूँ। और अगली बार से मैंने एक प्रयास जरूर करूँगा कि आपके सवालों को भी लूँगा, आप जो भी मुझे सवाल पूछेंगे उस सवाल का हो सके तो मैं जवाब 100% देने की कोशिश करूँगा। मैं इतना पढ़ा लिखा और इतना ज़्यादा होशियार नहीं हूँ, फिर भी मेरी जो सोच है, मेरे जो विचार है वो आपके सामने जरूर रखूँगा। मुझे आप लोगों ने सुना और मेरे विचारों को सुन ही लेना नहीं है, उस विचारों को आगे बढ़ाना है। और मेरी बातें अगर आपको सही लगती है, अगर दिल को छूती है, तो उस बातों को आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचाइए और चुप मत बैठे रहिए, आगे बढ़िए। भारत माता की जय।